हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का दादा सोडा फाउंटेन के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि फ्रेंड्स, आगे के हमारे एक वीडियो मैंने अपडेट किया था बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, अलग अलग बातें बताई थी। लेकिन बीच में क्या हुआ फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, कोरोना महामारी आ गई, हम सबके बिजनेस जो है बंद हो गए। कोरोना महामारी के बाद भी अभी की सिचुएशन ऐसी है, कोरोना तो है लेकिन हम हमारा बिजनेस कब तक बंद रख सकते, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी की सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी हो गई कि बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं लेकर आज आपके सामने अवेलेबल हुआ हूं, कुछ नया कुछ पुराना सब मिक्स है। आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं लो बिजनेस में, लो इन्वेस्टमेंट में। क्या है चीज फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, आगे का एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, शायद बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, देखा हो। ये है बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन। आपको पता ही है मार्केट में इस तरह से जो है बहुत सारे पाउच अवेलेबल है, बॉटल से पाउच में 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml के। इसमें अलग अलग फ्लेवर के 8 से 10 अलग अलग फ्लेवर आती है। उसके अलावा आप यदि वॉटर पाउच, पानी के पाउच फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी इसमें फिलअप हो सकते हैं। तो ये मैं लेकर आया हूं डबल नोजल का बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन। फ्रेंड्स खास याद रखना, ये जो है डबल नोजल वाला है, दो नोजल इसमें अवेलेबल है। किस तरह से ये मशीन है, किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आज आपको। आगे का जो वीडियो अपलोड किया उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, उनके क्वेश्चन के सवाल भी जवाब भी लेकर मैं आज यहां पे अवेलेबल। फ्रेंड्स जिस तरह से हमने वीडियो में बताया, इस हिसाब से मैं खास बता दूं, ये बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन दो नोजल का है, जिसमें मशीन तो हमारे पास अवेलेबल है, साथ में उसकी जो फ्लेवर है केसर फ्लेवर्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लेवर भी हमारे पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स तो ये लोगों का क्वेश्चन था, सर फ्लेवर कहां से मिलेगी, फ्लेवर हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही में उसके जो पाउच है, पाउच भी मैं आपको दिखाऊंगा, पाउच भी अलग अलग प्रकार के हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो ये भी खास देख लेना। फ्लेवर हमारे पास से मिलेगी आपको, पाउच हमारे पास से मिलेंगे और मशीन हमारे पास से मिलेगी, तीनों चीज आपको हमारे पास से मिल जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है पाउच मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, स्प्रॉट पाउच है, पानी के पाउच है, मिल्की व्हाइट पाउच है, 100 ml के पाउच है, वो सारे पाउच हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये बॉटल से पाउच फिलिंग मशीन। फ्रेंड्स मैं एक बात खास बताना चाहूंगा, ये वीडियो एंड तक देखना तो ही आपको पता चल पाएगा कि ये मशीन किस तरह से वर्क करता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं मेरे पास, बहुत सारे कॉल आ रहा है कि सर ये वीडियो मिस के ये वीडियो पूरा नहीं देखते और बोलते हैं कि मशीन किस तरह से वर्क कर रहा है। तो एक खास गुजारिश है मेरी कि वीडियो एंड तक देखिए तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मशीन के रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में अपडेट कर रहा हूं। तो ये वीडियो में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मशीन की कॉस्ट। ये मशीन की कॉस्ट है 41,000 रुपए जीएसटी के साथ। इसमें कोई एक्स्ट्रा जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, जीएसटी के साथ ये मशीन 41,000 है। डबल नोजल वाला मशीन है। मशीन में क्या क्या साथ में आएगा, मशीन में इस तरह की दो टैंक जो एक यहां पे है एक वहां पे, दो टैंक साथ में आएगी। सीलिंग मशीन जो है इंक्लूडिंग, हमने सीलिंग मशीन दिया है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा सीलिंग मशीन की जरूरत नहीं है। पूरी स्टेनलेस स्टील की बॉडी है इसमें। बहुत सारे लोगों को ये भी जो है क्वेश्चन था सर किस तरह से मशीन है, पूरा स्टेनलेस स्टील की बॉडी के साथ ये मशीन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पे हमने डिजिटल मीटर लगाया हुआ है। ये डिजिटल मीटर इसलिए है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे ml सेट कर सकते हैं। मान लो आपको 50 ml से लेकर 500 ml तक कोई भी पाउच फिलअप करना है तो उसके ml यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो इसमें खास ये चीज है, मार्केट में बहुत सारे मशीन अभी अवेलेबल है लेकिन उसमें ये फैसिलिटी नहीं भी दी गई है। तो आपको फ्रेंड्स पता कैसे चलेगा पाउच कितने ml का फिलअप कर रहे हो, किस तरह से आप फिलअप कर रहे हो, फ्लेवर की वेस्टेज हो रही है। तो यहाँ पे स्पेशली हमने इसलिए डिजिटल मीटर लगाया हुआ है।
उसके अलावा यहाँ पे ये हीटर लगाया हुआ है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये हीटर की स्क्रीन है। उसके अलावा ये जो है पुशअप बटन है, पाउच लगाने के बाद ये पुशअप बटन प्रेस करेंगे तो आपका पाउच फिलअप हो जाएगा। एमएल सेट कर दिया है, पुशअप बटन दबाना है, पाउच फिलअप। उसके अलावा जो है ये हीटर की स्विच दी है, एक मेन स्विच है एक हीटर की स्विच है, दो स्विच है, एक मेन स्विच है मशीन की एक हीटर की स्विच है, ये दो स्विच है दी है। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूंगा पीछे की ओर, क्योंकि आगे के वीडियो में मैंने जिस तरह से बताया था लोगों की इंक्वायरी बहुत थी, तो इसमें मैं खास दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे भी जो है ये हीटर की स्विच हमने दी है। ये जो आप देख रहे हैं वो हीटर की स्विच है, ये पुशअप बटन दिया है। यहाँ पे डिजिटल मीटर इसलिए नहीं दिया है कि आगे का जो डिजिटल मीटर है उससे ही यहाँ के एमएल सेट हो जाएंगे। किस तरह से सेट होते हैं वो भी मैं आज आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। और पाउच किस तरह से फिलअप होता है उसका भी डेमो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इस मशीन में हमने खास ये सिस्टम दिया है डिजिटल मीटर। अभी डिजिटल मीटर में सेटअप कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो दोनों नोजल है, दोनों नोजल का एक ही डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर है, दोनों का यहीं से सेटिंग हो जाता है। किस तरह से सेटिंग होता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट का जो है बटन दिया गया है, सेट के बटन पे आप प्रेस करोगे, ठीक है, दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ गया वन, ई वन लिख के आ गया, यानी ये साइड का हो गया। अभी इसमें आपको जो है एमएल सेट करना है तो यहाँ पे सेकंड पे एमएल सेट होते हैं। मान लो आपको 200 ml का पाउच फिलअप करना है तो 4 सेकंड और 10 माइक्रो सेकंड की जरूरत रहती है। लेकिन उसी जगह पे आपको मान लो 100 ml का पाउच सेटअप करना है तो यहाँ पे जो है 2 सेकंड और 10 माइक्रो सेकंड की जरूरत रहती है। ये मैंने सेट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने ऑप्शन कर दिया, तो यहाँ पे ये 100 ml सेट हो गया आपका। इसी हिसाब से आप जो भी पाउच फिलअप करना है, मान लो 50 ml का फिलअप करना है तो उसी हिसाब से यहाँ पे सेट करना है, 500 ml का फिलअप करना है तो भी इसी हिसाब से सेट करना है। इस हिसाब से यहाँ पे 50 ml से लेकर 500 ml की कोई भी पाउच है यहाँ पे सेट हो जाएगी। अभी मैं दूसरी साइड का दिखा रहा हूं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ये आएगा, फिर ये, तो ये 2 सेकंड 10 माइक्रो सेकंड हो गई, ये आ गया E2 लिख के आ गया, यानी कि ये दूसरी साइड का, ये 2 लिखा आया तो समझ लो ये दूसरी साइड का है। अभी यहाँ पे 2 सेकंड और 30 माइक्रो सेकंड है, इसको मुझे जो है 200 ml के पाउच में सेट करना है, तो यहाँ पे ये 4 सेकंड हो गई, ये सेट हो गया। दोबारा मैं जाऊंगा, ये आ गया, फिर यहां पे जो है मैंने बताया 10 सेकंड सेट करनी है, तो ये हो गया 200 ml का पाउच यहां पे सेटअप हो गया। दूसरी बात मैं फ्रेंड्स खास बताना चाहूंगा, इसमें जो हीटर दिया है, हीटर का भी जो है कितने तापमान में ये हीटर रखना है वो भी यहां पे हमने दिया है कि 125 पे जो है हीटिंग का आपको रखना है तभी यह हीट हो पाएगा, तो ये भी डिजिटल मीटर में वो भी शो हो रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं खास बताऊंगा कि यहाँ पे डिजिटल मीटर में आपने कितने पाउच फिलअप किए वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, तो वो भी सिस्टम इसमें है। तो एक तो एमएल सेट हो जाएंगे, दूसरी बात जो है आपको काउंटिंग भी हो जाएगा, हीटर का भी मैंने बता दिया कि 125 पे आपको रखना है, ठीक है। तो ये है जो है मैं बताना चाहूंगा डिजिटलाइज वाला पूरा पाउच फिलिंग मशीन। और फिर इसमें मैं खास चीज बताऊंगा कि मार्केट में इससे 1.5 लाख और 2 लाख के मशीन अवेलेबल है, लेकिन वही चीज हमने कम बजट में यहाँ पे लॉन्च की है सिर्फ 41,000 रुपए में। और जो 1.5 से 2 लाख वाले मशीन आते हैं उसमें भी इस तरह के स्प्रॉट पाउच फिलअप करना मुश्किल है या नहीं हो सकते, लेकिन वही चीज में 41,000 वाले मशीन में बड़ी आसानी से फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको जो है पाउच किस तरह से फिलअप होते हैं वो भी मैं आपको जो है लाइव दिखाऊंगा, तो आपको वो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, जो होता है वो करके भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको पाउच फिलअप करके दिखाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि पाउच किस तरह से फिलअप होते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने जिस तरह से बोला कि मैं आपको पाउच भी फिलअप करके दिखाता हूँ लाइव डेमो में, तो वो भी आप देख लीजिए किस तरह से पाउच इसमें फिलअप होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 100 ml का जो है पाउच लिया है, वो पाउच को हम यहाँ पे जो है मैं नोजल में लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ml सेट कर दी है, अभी ये पुशअप बटन मैं प्रेस करूंगा, ये जो हुआ पाउच फिलअप हो गया। फिर यहाँ पे जो है दूसरी कंपनी में एक खास चीज है कि अलग से सीलिंग मशीन दिया है हमारे यहाँ पे ही मैंने सीलिंग मशीन ऑलरेडी दे दिया है, तो ये जो है मैंने सीलिंग मशीन से ये फिट कर दिया, ये हो गया आपका पाउच फिलअप। आप देख सकते हैं कोई लीकेज इसका इश्यू नहीं है और पूरा पाउच बहुत बेहतरीन तरीके से ये फिलअप हो गया। इसी हिसाब से अभी मैं आपको 200 ml का पाउच भी फिलअप करके दिखाऊंगा, तो भी आपको लगेगा नहीं ये नोजल वाला पाउच भी इसमें फिलअप होता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, ml यहाँ पे सेट कर देना है, 200 ml का पाउच फिलअप करना है तो ml सेट करना है। ये हो गया मेरा ml सेट। अभी ये जो पाउच है उसमें मैं खास बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है, सर ये नोजल वाला पाउच है फिलअप कैसे होगा? तो ये नोजल को कभी भी ओपन नहीं करनी है, खास बताता हूं नोजल को ओपन नहीं करनी है। यहां पे जो है उसका गैप दिया हुआ है, तो यहां से इस पाउच को फिलअप करना रहता है। मैं लगा के दिखाता हूं, तो फिर ये आप देख सकते हैं, जी देखिए फ्रेंड्स ये जो है मैंने पाउच लगा दिया, नोजल ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये मैंने पुशअप बटन यहां पे प्रेस कर दिया, ये हो गया पाउच फिलअप फ्रेंड्स। फिर यहां पे क्या है कि इस तरह से यहां पे इसको फिट कर देना है, तो ये हो गया 200 ml का नोजल वाला पाउच बड़ी आसानी से फिलअप हो गया। आप देख सकते हैं ये 200 ml का पाउच, तो इसी हिसाब से आप कोई भी पाउच है इसमें फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कोई भी लीकेज का इश्यू कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये खास ये है, सीलिंग मशीन सबके मशीन में साइड में होते हैं, मेरा सीलिंग मशीन यहीं पे दिया है, कोई एक्स्ट्रा सीलिंग मशीन की इसमें जरूरत नहीं है। अभी मैं दूसरी साइड भी आपको पाउच फिलअप करके दिखाऊंगा, दोनों नोजल चालू कंडीशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है दूसरी साइड मेरा बंदा बैठा है, तो यहाँ पे वो भी आपको पाउच फिलअप करके दिखाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ml वहां से सेट कर दिया है, हीटिंग जो है हीटिंग भी वहीं पे है, हीटिंग का वहीं पे सेटिंग है। ये उसने पाउच लगा दिया, पाउच लगाने के बाद पुशअप बटन दबा दिया, ये हो गया उसका पाउच फिलअप। फिर अभी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, सीलिंग मशीन पास में ही दिया है, तो उससे जो है सीलिंग बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया पाउच फिलअप, कोई जरूरत नहीं है, देख सकते हैं आप कोई लीकेजेस वगैरह का कोई इश्यू भी नहीं रहता है। तो ये दोनों साइड से इस तरह से पाउच फिलअप होते हैं। अभी मैं खास बताऊंगा कॉस्टिंग के हिसाब से कि मैंने पाउच तो बना दिया, अभी पाउच मुझे प्रॉफिट कितना होगा, आगे का इसका क्या है बिजनेस के रिलेटेड। तो खास बताऊंगा ये पाउच की जो कॉस्ट है 80 पैसा है, 100 ml का पाउच 80 पैसे में आएगा, मेरे पास से ही मिलेगा आपको 80 पैसे में, जीएसटी के साथ 80 पैसे में 100 ml का पाउच आएगा। इसमें जो फ्लेवर बनाएंगे तो फ्लेवर की कॉस्टिंग 80 पैसा की रहेगी, यानी 1.60 रुपया हो गया। बाकी आप लाइट बिल का मान लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम बोलते हैं, उसके अलावा आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च मान लो, वो आप 40 से 45 पैसा गिन लो एक पाउच के पीछे, तो 2 रुपए 2.05 रुपए में एक पाउच आपका 100 ml का रेडी हो जाएगा। यदि आप मार्केट में रिटेल में बेचने जाओगे तो 5 रुपए में सेल होता है, यानी एक पाउच के पीछे 3 रुपए का मुनाफा होगा। मान लो आप दिन के 500 पाउच सेल करते हो तो 3 रुपए के हिसाब से एक दिन के 1500 रुपए मिलेंगे आपको। और यदि आप ये पाउच होलसेल में सेल करते हो 100 ml के पाउच, तो ये पाउच 3 रुपए से लेकर 3.5 रुपए में होलसेल में सेल होते हैं, यानी एक पाउच के पीछे 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए तक मुनाफा होता है। लेकिन होलसेल में जो है 1500 से 2000 पाउच पर डे का बड़ी आराम से बिक्री हो जाते हैं, तो वहां पे भी आपको पर डे का 2 से 3 हजार रुपए का मुनाफा वाला बिजनेस है। उसके अलावा मैं खास बताऊंगा स्प्रॉट पाउच जो मैंने बताया नोजल वाले पाउच,
ये पाउच जो है 3.5 रुपए का पाउच आएगा। इसमें 1.60 रुपए की फ्लेवर जाएगी, यानी 5.10 रुपए हो गए। बाकी 90 पैसे आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का गिन लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का गिन लो, बहुत सारे खर्च जो होते हैं वो सब गिन लो, तो अभी ये पाउच 6 रुपए में रेडी हो गया। और ये मार्केट में जो है 10 रुपए से लेकर 15 रुपए में सेल होता है, यानी एक पाउच के पीछे 4 रुपए से लेकर 9 रुपए तक का मुनाफा है। मान लो आप शाम तक जो है ये 200 से 300 पाउच सेल करते हो तो भी आप गिन सकते हो, 1000 से 1500 रुपए, 4 रुपए के हिसाब से गिनोगे तो भी बड़ी आसानी से कमा पाओगे। तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है फ्रेंड्स ये। ये मैंने पाउच के रिलेटेड आपको प्रॉफिट बता दिया। अब इसमें लाइसेंस की कौन सी जरूरत पड़ती है वो भी बता दूंगा। इसमें सिर्फ एक ही लाइसेंस, फूड लाइसेंस यानी FSSAI लाइसेंस की जरूरत रहती है। वो लाइसेंस की प्रोसेस ऑनलाइन होती है या आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में ये प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस आपको करनी रहेगी, कंपनी की ओर से वो नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मशीन के रिलेटेड मैंने सारी जानकारी इसलिए आपको बताई कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने मशीन की कॉस्ट आपको दिखा दी है, फ्लेवर पाउच भी हमारे पास मिल जाएंगे, प्रॉफिट किस तरह से होगा वो भी बता दिया है, लाइसेंस की कौन सी जरूरत रहेगी वो भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको बताना चाहूंगा, आपको भी यदि ये बिजनेस करना है या इसके रिलेटेड कोई भी यदि इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप एक बार हमारा कॉन्टेक्ट जरूर से करिए। कॉन्टेक्ट कैसे करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सा तरीका है, वीडियोस के नीचे हम जो है हमारे नंबर अपडेट कर रहे हैं, उस नंबर पे आप बड़ी आसानी से कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, किसी भी प्रकार से आप हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मशीन के लिए किस तरह से आगे आपको मशीन परचेस करना है, तो मशीन भी हमारे पास रेडी पोजिशन में अवेलेबल है, तो पेमेंट करके आप जो है मशीन परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिसकी वजह से आगे जाके हम भी जो है कुछ नया लेकर आते तो हमें भी ऐसा लगे कि नहीं हमारा वीडियो आगे लोगों को पसंद आ रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिसकी वजह से आगे जाके हम इस तरह से कुछ भी नया लेकर आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।